हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, अभी अभी फ्रेशर्स जिनको कहा जाता है, ये कॉलेज में फ्रेशर्स हैं। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि आप लोग जो कॉलेज फ्रेशर्स हैं, अभी अभी जो कॉलेज में आए हैं, वो अपना बहुत सारा टाइम जो है सेप्टेम्बर तक का जो टाइम है, मोस्टली मैं कहूंगा सेप्टेम्बर तक का टाइम पूरा का पूरा वेस्ट कर देते हैं। किन चीजों में? एक चीज होती है जिसका नाम है हमारा इलेक्शन। कॉलेज इलेक्शंस हर कॉलेज में कंडक्ट किए जाते हैं। डूसू के इलेक्शंस होते हैं, कॉलेज के अपने इलेक्शंस होते हैं, ठीक। और मुझसे मेरे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शंस क्या होते हैं, आप लोग के सीनियर जो है आप लोगों को खुद ही बता देंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप किसी से कंसल्ट करना चाहें, किसी ढंग के सीनियर से कंसल्ट करना चाहें, तो कंसल्ट कर लेना कि क्या होते हैं ये इलेक्शंस। इलेक्शंस में टाइम वेस्ट कैसे होता है? सबसे पहली बात, जो बंदा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो सीधे सीधे आपको आकर बोलेगा कि मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरी बातचीत है फलाने टीचर से, अटेंडेंस में मैं आपको दिलवा दूंगा, अपनी चलती है, ये वो करके ये पूरा कहानी बना के आपको सुना देगा और आप उसके साथ कैंपेनिंग में लग जाओगे। कहेंगे कि लास्ट के 12 दिन है, लास्ट के 15 दिन है करके हमारे साथ कैंपेनिंग में लग जाओ, आप थोड़ी थोड़ी क्लासेस छोड़ दो। तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ना आपको कुछ देगा, ना इलेक्शन जीतने के बाद आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, कुछ फायदा नहीं होगा आपका उसके इलेक्शन जीतने से। फायदा किस चीज से होगा? जब आप अपनी क्लासेस लोगे, अगर आपके फैकल्टीज हर सेमेस्टर आपको अच्छे मिल रहे हैं, अगर अच्छे फैकल्टीज आपको मिल रहे हैं तो मतलब वो अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे तो आपका आगे के लिए बेस बनेगा। इस सेमेस्टर आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल साइंस हो चाहे फिजिक्स ऑनर्स हो, दोनों के पास मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप आगे चलकर बहुत ही कम पढ़ने वाले हो। अभी आपके पास टाइम है कि अपने मैकेनिक्स के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर कर लो, और मैकेनिक्स के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो। ये चीज जो है आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप कॉलेज में आए हैं तो आपको ये काम करना है। अपने फैकल्टीज से डिस्कस कीजिए, रैदर देन कि आप अपने किसी रैंडम सीनियर के पास जाकर कंसल्ट करें कि वो टॉपर है, ये है, वो है। इससे अच्छा है आप अपने किसी डिपार्टमेंट के टीचर से जाकर कंसल्ट करें, चाहे आप केमिस्ट्री के हो, चाहे आप फिजिक्स के हो, चाहे आप मैथमेटिक्स के हो, अपने डिपार्टमेंट के सीनियर टीचर्स से या फिर जो अभी अभी टीचर्स आए हैं उन टीचर्स से जाकर कंसल्ट कीजिए, जो भी टीचर्स आपको पसंद है। आप टीचर्स के साथ अभी कन्वर्सेशन करिए, उनके साथ जाकर आप जब डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आगे चल के फील्ड्स क्या क्या खुलने वाली है आप लोगों के लिए, क्या क्या काम जो है आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ जो है आप इम्प्रोवाइजेशन अपने अंदर कर सकते हैं, क्या आपकी परसेंटेज रही है, किस तरीके से आपके डाउट्स रहे हैं, 12th क्लास में आप किस चीज में लैग कर रहे थे जो अब आपको कॉलेज में नहीं करना। मेन बात यह है कि सारे लोग आप लोगों को वीडियो बना बना कर जो भी समझाएंगे, मैं इस बात पर भी वीडियो बना सकता हूँ कि कॉलेज एसेंशियल्स क्या होते हैं अपने दूसरे चैनल पर, बट यहाँ पर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिजिकल साइंस के बच्चे जिनका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, जो बीएससी फिजिक्स के भी बच्चे मैंने देखे हैं और फिजिकल साइंस के, बेसिकली ये लोग अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं इलेक्शंस में। और भाई सितंबर के बाद आप लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप लोग पढ़ाई कर सको। सितंबर के बाद डायरेक्ट आ जाता है अक्टूबर, जिसमें आपके फुल ऑन असाइनमेंट चल रहे होते हैं, टेस्ट चल रहे होते हैं, पढ़ाई का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका मिड सेमेस्टर ब्रेक, मिड सेमेस्टर ब्रेक के तुरंत बाद आप लोग फिर वही नवंबर आ जाएगा, नवंबर में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स के बाद सीधा थ्योरी एग्जाम, कॉलेज मंथ थ्योरी एग्जाम। इतना सा भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर पाओ, तो अपनी कॉन्सेप्चुअल स्टडीज को अभी करना चालू कर दो, क्योंकि और कोई नहीं आने वाला आपका हाथ पकड़ के कि भाई हमने आपको, आपने हमें इलेक्शन में जिताया, चलिए आपके डाउट्स क्लियर करवा देते हैं, चलिए आपने हमें इलेक्शन में सपोर्ट किया था, मैं भले ही हार भी गया बट आपको ये बुक इश्यू करवा के दे देता हूँ, या फिर ये फलानी जो चीज है, फलाना जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा कोई नहीं करने वाला। अब आप कॉलेज में आ गए हो, यू आर मैच्योर नाउ, अब आप लोगों को खुद डिसीजन लेना है कि किस बंदे के साथ आपको जाना है, कहाँ अपना टाइम लगाना है, कहाँ अपना टाइम नहीं लगाना। हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं जैम फिजिक्स के लिए और DU के जो फिजिक्स के एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग की मेरी वीडियोज ही देखें,
मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कुछ वीडियोस ऐसी भी जो दूसरे चैनल्स दूसरे लोगों की जो मैंने अपने टाइम पे बहुत देखी हैं, उन वीडियोस को भी मैं आप लोगों को कंसल्ट करूंगा कि वो वीडियोस जाकर देखिए, काफी अच्छे चैनल्स हैं, उन पर आप अगर जाकर वीडियोस देखेंगे तो अभी से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि जो लोग जैम के लिए या फिर DU के एंट्रेंस के लिए, जेस्ट के लिए, जामिया, JNU, ये जो MSc एंट्रेंस है, क्योंकि भाई मुझे सिर्फ उसी के बारे में पता है, इलेक्शन के बारे में ज्यादा जानता नहीं, उस बारे में जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम रिसेंडर।